जिले के नोडल अधिकारी व प्रमुख सचिव ऊर्जा आलोक कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरौली का आकस्मिक निरीक्षण किया तथा अभिलेखों, दवा स्टोर, चिकित्सकों की उपस्थिति तथा मरीजों से भेंट कर उनकी कुशल क्षेम पूछा एवं निर्देश दिए कि चिकित्सकीय व्यवस्था, साफ सफाई, दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी न होने पाए। इसके अतिरिक्त नोडल अधिकारी ने गिडा कार्यालय का निरीक्षण किया तथा उद्यमियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं के संबंध में रूबरू होते हुए CEO को निर्देश दिए कि गिडा उद्यमियों की समस्या का निराकरण प्रमुखता के आधार पर कराएं। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि उद्योग लगाते समय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि आम जन को प्रदूषण की कोई समस्या ना आए। उन्होंने ये भी कहा कि गिडा द्वारा आवंटित भूखंडों पर उद्योग भवन समय से निर्मित किए जाएं, आवंटित भूखंड खाली नहीं रहने चाहिए। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ सुनील गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी अनुप सिंह, CEO राजीव रंजन, उप जिलाधिकारी सजनवा सरनीत कौर ब्रोका, CMO श्रीकांत तिवारी आदि मौजूद रहे। कानपुर में सर एक्सीडेंट रिपोर्ट में 100 MRD का सर वहाँ तो चालू होगी सर।